तो भविष्य क्या है इसको सोचकर हमें नहीं लड़ना है। एनडीटीवी को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमें भी वो उत्साह पैदा करने के लिए कोई मुझे गाली दे तभी मुझे उत्साह पैदा होती है। तो ये रघुराम राजन के लिए दुनिया भर की गाली मुझे दिया प्रका दत्त ने, परंतु आजकल वो भाग गई वहां से, उसको पहले ही पता लग गया कि क्या होने वाला है, डूबती जहाज से कूद कर चले गई, लेकिन उसका बाद में देखेंगे। परंतु एनडीटीवी इस देश में टीवी चैनल चलाने के लिए लायक नहीं है, इस देश की अपमान होगा यदि एनडीटीवी चलते रहेगी। तो मैं तो पत्रकार और टेलीविजन एजेंसीज की स्वतंत्र के लिए मैंने बहुत लड़ा है, इमरजेंसी में मैं लड़ा, बाकी सब लोग झुक गए थे, यानी पत्रकारों में कितने लोग खड़े हुए, अपनी मजबूरी व्यक्त की उन्होंने, लेकिन क्यों कोई लड़ा तो नहीं। रामनाथ गोयनका एक आदमी निकला, वो लड़ा, बाकी कोई नहीं लड़ा। और मैंने, मेरे साथियों ने जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, उस समय उस समय इंदिरा गांधी तो यही चाहती थी कि हम उसको सलाम भरे या कहें कि तुम दुर्गा माँ हो तो वो आपको छोड़ देती। और एक बार मुझे इंदिरा गांधी को सबक सिखाने के लिए मैं, उसने मेरे पासपोर्ट कैंसिल कर दी और मुझे फरार घोषित कर दी, मेरे ऊपर इनाम भी दे दी। उस समय सबसे बड़ा डाकू हिंदुस्तान में एक सुंदर डाकू था, उससे भी ज्यादा मेरे ऊपर इनाम था, और 18 केसेस लगा दी मेरे ऊपर, मेरे घर में सारे सामान को जब्त कर ली। और मेरे पास उस समय मेरी पत्नी और दो छोटे बच्चे थे, एक 2 साल की और एक 4 साल की, और रोज पुलिस रेड होती थी। तो ये सब हमने बर्दाश्त करके हम लड़े, और उसमें पत्रकारों की आज़ादी की बात भी हम बोलते रहे। तो हमें कोई उसमें पत्रकारों से दुश्मनी नहीं है, हमारी संविधान में पत्रकारों की आज़ादी के लिए, स्वतंत्र के लिए मूलभूत अधिकार दिया हुआ है, लेकिन उस मूलभूत अधिकार में एक बात जोड़ी है कि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, माने अंकुश ऐसे लगेंगे जो तर्क के आधार पर है। और वो कौन से हैं, उसमें यह है कि आप देश की बदनाम नहीं करनी चाहिए, माने देश की अखंडता को कायम रखने के लिए लिखनी चाहिए, या कम से कम विरोध नहीं, देश में देश की टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, आज़ादी हो जाए कश्मीर में, ये सब लिख नहीं सकते, ये संविधान में लिखा है। और ये सारे अंकुश पहले नहीं था, जब अंबेडकर और सरदार पटेल ने, सरदार पटेल मूलभूत अधिकार की कमेटी के चेयरमैन थे, अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, दोनों ने कहा कि कोई अंकुश लगाने की जरूरत नहीं। और ये दोनों, अंबेडकर को तो पार्टी से निकाल दी जवाहरलाल नेहरू ने, और सरदार पटेल की देहांत हो गई तो ये सब सर्वसर्वी बने, किसी की बात नहीं सुनते थे, कभी कभी एडविना माउंटबेटन की बात सुनते थे, पर किसी और की नहीं सुनते थे। और उन्होंने ये अमेंडमेंट लाया चिढ़ते हुए कि रमेश थापर ने कोई ऐसी उसको गाली दे दी, कहता है उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं, ऐसी चीजों के लिए हम आजादी नहीं पाया, और ये अमेंडमेंट ये लाए थे, देश के टुकड़ा करने वाले लोगों पर सजा होनी चाहिए, उनके लिए मूलभूत अधिकार नहीं है ये बोलने के लिए, ये 63 में जवाहरलाल नेहरू लाए थे। और आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लोग कहते हैं कि हो इनटॉलरेंस। तो हमें तो इस देश में आजादी तो सबको है बोलने के लिए करने के लिए, परंतु एक ढांचा के अंदर, वो है लोकतंत्रीय ढांचा। यदि हम आज देश की एकता पर संदेह पैदा करेंगे तो देश ही नहीं होगी, तो फिर किसके लिए हम आजादी ले रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आज हमें ये क्या सीखना है इससे,
श्री अय्यर कौन है? ये कैलिफोर्निया में रहते हैं, ये पत्रकार नहीं है, ये वहां मशहूर हो गए हैं। इतने पेटेंट, हमने पेटेंट दिए है 37 पेटेंट। सॉफ्टवेयर की जीनियस माने जाते हैं। इनका कोई पुराना कोई रिश्ता नहीं है राजनीति से, सिर्फ एक देश हमारी भला होनी चाहिए, देश का नाम ऊंचा होनी चाहिए, वहां से प्रेरित होकर धीरे 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 ये एक यानी एक ऐसा यानी ऐसी काम पर आप जब लग जाते हो तो आपकी उत्साह बढ़ने लगती है और फिर आप उसमें धीरे धीरे अंदर आ जाते हैं। तो ये आज सबसे खड़े हैं। अगस्ता में उन्होंने पहले नाम कमाया, सारे कांग्रेस वाले चिढ़े हुए थे, उन्होंने पूरा एनालिसिस लिखी। उनका पी गुरुस नहीं पी गुरुस वन नो पी गुरुस डॉट कॉम, उसमें जाइए, उसमें आपको जितना ज्ञान घोटाला के बारे हिंदुस्तान में है वो बता देंगे, एनालिसिस होगी पॉइंट वन। तो मैं ये बुक के